कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी कृषक बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। मैं मनोज आज आपके सामने हमेशा की तरह कुछ खास नयाब तोहफा लेकर आया हूं। जी हां, आज का विषय है समसामयिक धान के बारे में, यानी कि धान के खड़ी फसल में चूहों से होने वाले हानि और उन समस्याओं के समाधान के बारे में। और इसके लिए हमारे साथ हैं अवकाश प्राप्त वरीय वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल कुमार सिंह जी। धान की खड़ी फसल क्या है, तो आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि खड़ी फसल क्या है। मनोज जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, धान की खड़ी फसल क्या है। तो धान की खड़ी फसल बीज के बुआई से लेके खलिहान तक, वो धान की खड़ी फसल के अंदर हम जोड़ते हैं। बुआई, बिचरा उगाना, रोपनी, फिर उसका बाली लगना और उसका कटनी और दौनी तक, ये सभी चूँकि फार्म में ये सारे ऑपरेशन होते हैं, इसलिए इन सारी अवस्थाओं को मिला के हम धान की खड़ी फसल कहते हैं। सर, मतलब आपके कहने का मतलब है कि खड़ी फसल जो हुई वो पूरा जो धान की खेती की जो पूरी प्रक्रिया है वो खड़ी फसल के रूप में जाना जाता है। तो ये जो हमारी जो मूल हमारा जो आज मूल विषय है कि चूहों से क्या हानि होती है, क्या क्षति पहुंचता है हमारे कृषक बंधुओं को उनके धान की खेती में, तो उनके बारे में स्पष्ट किया जाए हमारे किसान भाइयों। चूहा, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा या खासकर मेरे किसान भाई जो चूहे के बारे में नहीं जानता होगा या चूहा नहीं देखा होगा। ये बड़ा ही विनाशकारी जीव है और खास करके कृषि के लिए बहुत बहुत नुकसानप्रद जानवर है। अगर हम इसका नुकसान का अंदाज़ा इससे लगाएं कि हमारे जो ये राष्ट्रीय चूहा उन्मूलन समिति है, उन्होंने एक आकलन किया है कि प्रति वर्ष चूहे के द्वारा कृषि को 3 करोड़ टन खाद्यान्न की क्षति होती है। 3 करोड़ टन खाद्यान्न। हाँ, और सबसे अधिक वैसे चूहा सभी फसलों में लगते हैं, धान में, गेहूं में, मक्का में, गन्ना में, ग्राउंड नट में। तो पहला सबसे अधिक 5 से 54% तक क्षति का आकलन किया गया है धान में, और 5 से 24% क्षति आकलन किया गया है ग्राउंड नट यानी मूंगफली में। तो इससे सबसे चूहे से नुकसान हमें धान की फसल को होती है। अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान केंद्र मनीला में है, उन्होंने एक आकलन किया है कि पूरे दुनिया में कितनी क्षति होती है। तो जितना वर्ल्ड मार्केट में ट्रेडिंग होता है धान का, उतना ही उसी के बराबर धान की क्षति एक चूहा के वजह से हमारे इस क्रॉप को, धान को होती है। अगर हम देखें उसके नुकसान का तरीका, तो ये क्या करते हैं कि जब धान हम बोते हैं, बहुत सा जो डीप वाटर राइस है, जो गहरे पानी वाले धान, उसमें लोग छींटा कर देते हैं गर्मी के दिनों में, उसमें भी चूहे लगते हैं। आप नर्सरी में बोते हैं तो वो भी वहाँ भी वो धान खा जाते हैं, धान के दाने जब जमते हैं उस समय खाते हैं, उसके भी काट देते हैं। जब टिलरिंग होता है जो अभी देख रहे हैं, इससे भी इसको भी ये नुकसान करते हैं, काट के नुकसान कर देते हैं। जब बालियाँ लगने का उम्र होता है, उसमें दूध निकलते हैं, उस समय भी काट के वो खाते हैं। फिर दाने बनते हैं, उस समय खाते हैं, और जब तैयार हो जाते हैं तो वो खाते ही नहीं हैं। एक चूहा एक दिन में 13 ग्राम से 15 ग्राम तक तो वो खा लेते हैं धान का चावल, और उससे 5 गुना वो नुकसान करते हैं, धान को कुतर के फेंक देंगे। और ऐसा देखा गया है कि बड़ों धान, ये चूहे जो हैं बिलों में रहते हैं, और बिल में जो पाया गया है, इसका बिल 45 सेंटीमीटर नीचे ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं और इसकी लंबाई 1 मीटर तक होती है। कई कई बार कई कई बिल एक साथ जुड़े होते हैं। एक एक बिल में 600 धान की बालियां पाई गई है, और एक बिल में करीब 6 से 14 किलो तक अनाज धान का पाया गया है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह जो चूहे हैं कितना नुकसान हमारे किसान भाइयों को पहुंचाता है। सर, जैसा कि आपने बताया कि चूहों से कितनी हानि है, कितनी समस्या है, तो जो सर आपने जो बातें उसमें बताई कि
चूहों की जो बिल की लंबाई है वो 40 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक की होती है, या फिर उनमें जो खाद्यान्न वो लेके जाते हैं वो लगभग 6 किलो से 14 किलो तक का होता है। तो ऐसा क्या है कि उनके कुछ अलग अलग प्रभेद भी हैं क्या चूहों के? तो यह चूहे की अभी जो कृषि में चूहे की जो जाति कृषि में लगे हुए हैं वो करीब करीब 20 प्रकार की प्रजातियां हैं जो चूहे की प्रजाति धान को नुकसान पहुंचते हैं, धान ने एग्रीकल्चर। और उसमें सबसे उसको दो दो भागों में आवास के हिसाब से बांटा गया है, एक घर में पाए जाने वाले चूहे, एक मैदान में पाए जाने वाले चूहे। तो घर में जो चूहे पाए जाते हैं वो मैदान में नहीं आते हैं, जो मैदान में पाए जाते हैं। तो सर ये जो जैसा कि सर आपने बताया कि ये धान की जो फसल में जो चूहे हैं इनकी लंबाई जो है 40 सेंटीमीटर से लेकर 1 मीटर तक होती है, या फिर 6 किलो से लेकर 14 किलो तक के अनाज ये बर्बाद करते हैं, तो इस स्थिति में क्या ऐसा है कि इनकी प्रजातियां हैं अलग अलग जो अलग अलग तरह के इनके बिल की लंबाई और जो फसल को बर्बाद करते हैं? जी हाँ, चूहे की जो प्रजाति हैं जो कृषि से संबंधित लोगों ने जो उनका आकलन किया है वो है 20 प्रजाति चूहे की जो हमारे कृषि के फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसमें दो ग्रुप बनाए गए हैं। एक जो ऐसे चूहे जो घरों में पाए जाते हैं और कुछ ऐसे चूहे की प्रजाति है जो खेतों में पाए जाते हैं। तो हम यहाँ खेत वाले चूहे की चर्चा करेंगे। तो जो खेत में चूहे पाए जाते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट स्पेसी जो धान के खेत में लगते हैं उसका अंग्रेजी नाम होता है बेंडिकोटा बेंगालेंसिस। तो ये बेंडिकोटा जो है ये धान का खास चूहा है जो सबसे अधिक नुकसान धान की फसल को करते हैं, बेंडिकोटा। और इसके इसके प्रजनन की क्षमता भी अपार है। इसका प्रजनन एक साल में करीब 6 से 8 बार ये प्रजनन करती हैं, और एक बार एक मादा 6 से 14 या 12 एक दर्जन तक बच्चे देते हैं, और फिर बच्चे जो हैं 3 महीने के बाद वो फिर बच्चा देना शुरू कर देता है। तो इस तरह से आंका गया है कि एक जोड़ा चूहा एक साल में 1,000 से लेकर 15,000 बच्चे पैदा करते हैं। वो सभी जिंदे नहीं रहते हैं, अगर जिंदे हो तो चूहा का अभी चूहे का हमारे देश में आकलन जो चूहा उन्मूलन समिति है राष्ट्रीय स्तर पर उनका है कि 240 करोड़ चूहे हैं हमारे कृषि में, और जो कि हमारी आबादी का प्रति आदमी के ऊपर वो 22 से 24 चूहे पड़ते हैं। किसान भाई आप भी हमारे द्वारा सुझाए गए इन उपायों का भरपूर लाभ उठाएं और ऐसे ही लगातार हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम से जुड़े रहें, हर बार कुछ नया तोहफों के साथ जबकि हम आपके पास आते हैं उसका लाभ उठाएं। इसी उम्मीद के साथ अपने मनोज को दीजिए इजाजत। नमस्कार।